तो आज हम बात करेंगे कि सबसे खतरनाक धारा कौन सी है इंडियन कानून में, यानी कि अपने लॉ में सबसे खतरनाक धारा कौन सी है। ओके, तो इसके बारे में इसकी डिटेल एनालिसिस और इससे बचने के कुछ तरीके। सो लेट्स स्टार्ट इट इंट्रो। ओके, तो सबसे खतरनाक जो धारा है वो है 34, यानी कि क्रिमिनल लाइबिलिटी। अकॉर्डिंग टू आईपीसी इसको हम जनरली बोलते हैं क्रिमिनल लाइबिलिटी, यानी कि इसका जो लीगल नाम है वो क्रिमिनल लाइबिलिटी से इसको जाना जाता है, 34 ऑफ आईपीसी। इसमें क्या होता है, इसमें पहले मैं आपको इसकी डिटेल बता देता हूँ, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अगर किसी पर्सन का सेम इंटेंशन है, हालांकि उसने वो काम ना किया हो, तब भी वो सेम ट्रीट किया जाएगा कि उसने वो काम किया है। ओके, अब हम कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं इसके। तो एग्जाम्पल क्या है, सपोज आपने देखा होगा कि जो गैंग रेप होता है तो होता क्या है, उसमें जनरली क्या होता है, इसमें एक पर्सन रेप करता है एक्चुअली में। ओके, अब ऐसा नहीं है कि हर रेप में ऐसा ही होता है, अलग अलग डिपेंड करता है। मैं बस आपको रेयर एग्जाम्पल दे रहा हूँ बस समझाने के लिए। ओके, तो क्या होता है कि सपोज चार पर्सनों पर आरोप लगाया गया कि भाई इन्होंने रेप किया है। अब उसमें जनरली होता क्या है, उसने एक पर्सन ने रेप किया हो लेकिन तीन उसके साथ हो ना वैसे भी, तो वो रेप के अकॉर्डिंग ही ट्रीट किए जाएंगे, क्योंकि उसका इंटेंशन हो गया। कोर्ट ये मान लेगी कि भी इनका भी उद्देश्य था, बस वो कर नहीं पाए वो अलग बात है, लेकिन उनका भी उद्देश्य था, रेप करने का उद्देश्य था। अब इंटेंशन एक ऐसी चीज़ है, एब्स्ट्रैक्ट थिंग है, यानी कि आपको दिखती नहीं है। ओके, फिजिकल थिंग तो आपको दिख जाती है, लेकिन जो इंटेंशन है यानी कि उद्देश्य है वो आपको दिखता नहीं है। सपोज़ अब आप ये नहीं बता सकते कि मेरे माइंड में क्या चल रहा है, या मैं नहीं बता सकता कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट थिंग है। ओके, अब ये इसी चीज़ का फ़ायदा सेक्शन 34 उठाता है लोगों को फंसाने के लिए। ओके, ये तो हो गया नॉर्मल एग्जांपल। मैं आपको एक नेक्स्ट एग्जांपल देता हूँ। इसमें क्या होता है, सपोज़ दो पर्सन है चोरी करने के लिए किसी घर में जाते हैं। ओके, एक पर्सन बाहर खड़ा हो जाता है कि भाई देख कोई आ तो नहीं रहा, दूसरा पर्सन क्या करता है, चोरी करने घर जाता है। जैसे वो चोरी करता है तो वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली किसी का मर्डर कर देता है। ओके, मर्डर कर देता है। अब जो चार्ज है वो दोनों पे मर्डर का लगेगा, हालांकि जो दूसरा पर्सन है उसने मर्डर नहीं किया। बस वो देख रहा था। अब जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो उसके ऊपर है, या तो तू प्रूफ कर कि तू उसके साथ नहीं था, अगर था तो तूने भी मर्डर किया है, तो इसको हम बोलते हैं क्रिमिनल लाइबिलिटी। ओके, अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हो, आपको इस चीज़ को याद करने में काफ़ी दिक्कत होती है, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, 3 + 4 = 7, 7। तो 7 रहोगे तो फंसोगे। ओके, यानी कि 7-7 क्राइम करना। अब इससे जो बचने का ट्रिक है ना, वो ये कि आप अपनी गलत संगत से दूर रहो, यानी कि अगर आपको लगता है कि भाई ये पर्सन ऐसा है, इसके साथ ऐसा हो सकता है, या फिर कोई गंदी संगति का पर्सन है, तो उससे आप बच के रहो। जो दूसरा ट्रिक है वो मैं आपको इंस्टाग्राम पे बता सकता हूँ। एक्चुअली वो थोड़ा बायस हो सकता है, अगर मैं पब्लिक स्पीकिंग में बोलूँ तो वो थोड़ा बायस हो सकता है, यानी कि हर किसी को अच्छा नहीं लगेगा। तो उसको जानने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके DM करके पूछ सकते हो। ओके, तभी मैंने आपको कमेंट में नहीं बोला, क्योंकि कमेंट में वो डिस्प्ले होता है। अब इंस्टा पे क्या होता है, वो पर्सनली दिखता है। आर यू गेटिंग? तो जाते जाते मैं आपको इसका एक और एग्जांपल बता देता हूँ। तो आपने कभी सुना होगा कि भाई उस पर्सन ने क्राइम किया नहीं लेकिन उसका नाम आ गया। आर यू गेटिंग? आपने कभी सुना होगा कि भाई जैसे लड़ाई में मारपीट में किसी का नाम आ जाता है, तो वो इसी के तहत आता है। तो पुलिस क्या करती है, सेक्शन 34 ही लगाती है किसी को भी फंसाने के लिए। तो आपने देखा होगा कि सपोज किसी के साथ मारपिटाई होगी। ओके, अब मान लो चार बंदों ने मारपिटाई की और उस पर्सन को पता भी नहीं कि मेरे साथ किसने मारपिटाई की, तो वो क्या करता है, वो नाम बोल देता है कि भाई उसने भी की, तो वो सारे फंस जाते हैं। तो वो यही है क्रिमिनल लाइबिलिटी। कभी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो उसमें यही होता है, अगर जो धाराएं लगाई जाती है ना, मान लो किसी के ऊपर काफ़ी सारी धाराएं लगाई जाती हैं, तो उसमें 34 जरूर होगा। तो वो यही 34 है क्रिमिनल लाइबिलिटी। तो ये एक तरह से जहर है, ये कैंसर है, इससे आप बचो। ओके, इसमें ना ये होता है कि आपने जो काम किया नहीं ना, उसके लिए आपको फंसाया जाता है। आर यू गेटिंग? तो इस चीज़ के बचने के लिए बस यही है कि आप एक तो गलत संगति से दूर रहें और ऐसे चक्करों में ना पड़े। ओके, बी अवेयर, यानी कि आप जागरूक रहें। ओके, जो दूसरा ऑप्शन है वो मैं आपको इंस्टाग्राम पे बता सकता हूँ। सो आई होप यू गॉट इट। बाय।